नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सीटेट दिसंबर परीक्षा 2021 को लेकर आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉरम को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। अब उनका इंतजार दोस्तों ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट की जो परीक्षा है वो CBSE बोर्ड दोस्तों साल में 2 बार आयोजित करवाता है। एग्जाम डेट को लेकर भी सवाल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट मेरे को डेली आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा आपको नोटिफिकेशन आज कितने बजे तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको सीटेट से संबंधित डेली अपडेट है वो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, सीटेट की जो परीक्षा है वो CBSE बोर्ड के द्वारा कराई जाती है। 2 साल, जो माफ कीजिएगा, 1 साल में 2 बार आपकी परीक्षा दोस्तों आयोजित होती है। एक आपकी जुलाई के महीने में, एक आपकी दोस्तों दिसंबर के महीने में। लेकिन पिछले 2 साल से सिर्फ 1 बार ही परीक्षा आयोजित हुई है। अब आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन कराने का भी यहाँ पर निर्णय लिया गया है। नोटिफिकेशन की बात करूँ तो इसको लेकर दोस्तों आपके लिए अपडेट है, नई दिल्ली की तरफ से अपडेट है कि आपका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आज, जी हाँ दोस्तों, आज शाम तक जारी हो जाएगा। इसको लेकर दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स ने अपडेट किया है और CBSE बोर्ड के सीनियर अधिकारी ने भी अपडेट किया कि दिसंबर में एग्जाम आयोजित करवाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिसंबर में या फिर जनवरी में आपकी जो एग्जाम है वो आयोजित हो जाएगी। ऑफिशियली वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया था, इसमें दोस्तों जो संभावित डेटें थी वो बताई गई थी। पैटर्न में बदलाव किया गया है और सिलेबस में आपके कोई भी बदलाव नहीं है। एक दो टॉपिक दोस्तों कम ज़्यादा होंगे, उनके बारे में आपको बता दूंगा। यानी कि आप पुराने सिलेबस से अपनी तैयारी करते रहें और सिलेबस में अभी कोई बदलाव नहीं है। हालांकि जो पैटर्न है वो बदला गया है और बदलाव और भी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि आपका दोस्तों 3 पेपर के आयोजित होंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो 3 पेपर आयोजित होंगे दोस्तों। इसी के साथ आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन आयोजित होगी, ये आप सबको पता होगा। इस बार ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है और 3 पेपर आपके आयोजित होने वाले हैं। और जो बड़ा बदलाव है वो है, 150 में से आपको जो 60% यानी कि 90 नंबर चाहिए होते दोस्तों, वहाँ पर आपको 5 अंक का बोनस दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5 अंक का बोनस ऑनलाइन एग्जाम होने के, जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसकी वजह से दोस्तों 5 अंक का बोनस भी यहाँ पर दिया जाएगा। कैटेगरी के हिसाब से अगर आप जो SC ST में है तो वहाँ पर 82 पॉइंट कुछ आपको नंबर चाहिए होते दोस्तों, यहाँ पर भी 5 नंबर का बोनस दिया जाएगा। और सीटेट की जो पात्रता है वो भी आजीवन के लिए कर दी गई है। तो ये भी दोस्तों आपके बदलाव हैं कुछ जो CBSE बोर्ड द्वारा सीटेट में किए गए हैं। और आपके ऑनलाइन फॉर्म की बात कर लेता हूँ तो 15 अक्टूबर तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। कल दोपहर से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। नवंबर में आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे 15 दिन पहले, और एग्जाम दोस्तों आपके दिसंबर में आयोजित होगी। हालांकि एग्जाम डेट के बारे में ऑफिशियली तौर पर डेट नहीं आई है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने अपडेट किया कि 6 दिसंबर को आपकी एग्जाम आयोजित हो सकती है। तो यानी कि आप दोस्तों अभी से अपनी तैयारी कंटिन्यूस करते रहें, क्योंकि सीटेट जैसे ही आपका होता है उसके तुरंत बाद दोस्तों जनवरी और फरवरी में आपकी दोस्तों टीचर की वैकेंसी भी, CBSE जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा विद्यालय है दोस्तों, उनमें टीचर की वैकेंसी आने वाली है, जहाँ से आप गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचर दोनों बन सकते हैं। तो दोस्तों तैयारी कंटिन्यूस करते रहें पुराने सिलेबस के हिसाब से, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, आगे भी अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।